Hello learners, how are you all? I hope you all are doing a wonderful job and enjoying watching these videos of your SST. So children, here is your learning buddy Aprajita with a new chapter from your book Jellybean Journeys in Social Studies Class 8 by Brainroot series. So let's start chapter number 3 today, that is Natural Vegetation and Wildlife. This is of our geography section. Sum and substance. What are we going to do in this chapter today? Natural vegetation. We are going to read about the natural vegetation. Natural vegetation and different types of forest regions of the world. वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के जो नेचुरल वेजिटेशन है और अलग अलग टाइप्स के जो फॉरेस्ट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी हैं? थ्रेट्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, देन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ. नाउ फाइंड आउट, लेट्स रिट्रीव हियर. Study the picture of animals. Which type of natural vegetation would you expect each of them to be associated with? Why? Here are some animals. तो अभी जब हम vegetation के बारे में पढ़ेंगे, natural vegetation के बारे में पढ़ेंगे, then we'll come to know कि ये जो animals हैं ये कौन से type के vegetation से associated होने चाहिए या associated हैं और क्यों हैं. क्योंकि हर एनिमल का जो नेचुरल वेजिटेशन वो अलग है. एक ही टाइप के नेचुरल वेजिटेशन में दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एसोसिएटेड. फाइन, सो लेट्स रीड द चैप्टर, देन वील कम टू नो अबाउट देम. डिफरेंट रिसोर्सेज हैव डिफरेंट वैल्यूज बट दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. अब जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे चारों तरफ वो अपनी अपनी उनकी एक वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं और वो हर तरह से अलग अलग तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं और उनके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते. अमंग ऑल द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ द बायोस्फीयर इज द ओनली जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लाइफ सपोर्टिंग फीचर्स. सारे जितने भी स्फीयर्स हैं अर्थ के उसमें से जो बायोस्फीयर है वही एक लाइफ, यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सारे फीचर्स अवेलेबल हैं. दे एग्जिस्ट एन इकोसिस्टम ऑन द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ इन द बायोस्फीयर. अर्थ में एक इकोसिस्टम है अर्थ का अपना. ऑल लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड, टिम्बर, फायरवुड, मेडिसिंस, हर्ब्स, पल्प, oil, gum, latex, and most importantly, paper that helps in our studies. Our plants hame itni sahi tarah ki cheeze provide karta hai. Wildlife includes insects, creepers, birds, both domestic and wild animals, and also all aquatic animals such as fish, alligators, frogs, jellyfish, etc. वाइल्डलाइफ में सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, डोमेस्टिक, वाइल्ड सारे एनिमल्स आते हैं और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं जो पानी में रहते हैं. एनिमल प्रोवाइड्स अस विद मिल्क. अब एनिमल हमें क्या देता है? मिल्क, मीट, वूल एट्सेट्रा. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं एंड हेंस दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. और इसलिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट भी हैं. लेट्स रीड अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन चिल्ड्रन. व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो नेचुरली दे आर रेफर्ड टू एज नेचुरल वेजिटेशन. अलग अलग तरह के प्लांट्स जब वो नेचुरली ही उगते हैं उसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अर्थ पे ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कितना सनलाइट मिलती है उसको और कितना रेनफॉल मिलता है. द नेचुरल वेजिटेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स. और जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको क्लासिफाई किया जा सकता है फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में और श्रब्स.
Natural vegetation prevents erosion of soil and influences its characteristic features such as volume and texture. It provides home and food for a great variety of animal species. ये जो natural vegetation है ये बहुत सारे animal species का घर भी है और इनको food भी provide करती है. Natural vegetation is the primary source of oxygen in our atmosphere, which is crucial for sustaining life in the earth. जो natural vegetation है ये primary source है oxygen का, जो कि हमारे जीने का सबसे important, हमारे जीने के लिए सबसे important है. ऑक्सीजन सबको पता है, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते, हम सांस नहीं ले सकते. तो दिस ऑक्सीजन इज द प्राइमरी सोर्स इन आवर एटमॉस्फेयर. नाउ चिल्ड्रन, नेचुरल वेजिटेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग तरह के जो फॉरेस्ट रीजन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. The defined area in which a plant community grows with other living organisms and the physical environment is called an ecosystem. Ecosystem क्या होता है बच्चों? जो एक defined area होता है जहाँ पे एक plant community grow करती है, किसके साथ? दूसरे living organisms के साथ, उसे कहा जाता है ecosystem. Large ecosystems are called biomes. जो बड़े बड़े ecosystems होते हैं उन्हें biomes कहा जाता है. There are 10 major biomes in the world. They are as follows. अब 10 major biomes मतलब जो बड़े ecosystems हैं वो कौन कौन से हैं? Let's read here. Evergreen, tropical deciduous, temperate deciduous, Mediterranean, coniferous, then tropical grassland, temperate grassland, desert, tundra, mountain. Okay? See. बायोम कौन कौन से हैं? 10 बायोम्स. उनमें क्लाइमेट कैसा है, उसका फ्लोरा एंड फौना कैसा है और एरियाज कहाँ कहाँ आएंगे. ट्रॉपिकल एवरग्रीन द फर्स्ट वन. द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. देन फ्लोरा एंड फौना, नो मास शेडिंग ऑफ लीव्स, डेंस थिक ग्रो एंड ओवर हेड कैनोपी, लीच्ड सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव रेन. Many species of trees grow together, including ebony and rosewood, also called selvas. इनको selvas भी कहा जाता है या equatorial forest. Parrots, apes, crocodiles, etc. are found here. Now the areas where they are found: Amazon basin in South America, Zaire basin in Africa, and countries of Southeast Asia. Then comes the tropical deciduous or monsoon forest. Hot and wet with a distinct dry period rainfall is seasonal. Commercially important trees like teak, sal, bamboo and sandalwood. Deltas have mangroves. Trees shed their leaves in the dry season. Elephants, tigers, lions, etc. are found here. Aur kaun se areas mein hai ye? Monsoon region of Asia, parts of Central America, Brazil, Northern Australia and North America. Next is the temperate deciduous. Moderately cool climate of coastal areas with moderate rainfall. Ab flora aur fauna kaisa hai? Broad-leaved trees that shed leaves in winter when temperature is below 6 degree centigrade. Rapid plant growth after spring in summer. Growth of hardwood trees like oak, ash, maple and poplar. Deer, fox, wolves, bears, etc. found here. Now, the regions where they are found: Western Europe, including Norway, Sweden, Finland, British Isles, parts of Russia, Northeast China, Japan, Northeast US, South Chile, and New Zealand. Next is the Mediterranean. Warm and dry summer, moderate or mild winter, rainfall mostly in winter. Trees adapted to summer drought, example included scattered trees of olive, cock oak, then cedar, pine, fir, nut, etc. Waxy thick leaves, deep roots and thick tree bark to check loss of water. Cultivation of citrus fruits on a large scale. Yahan citrus fruits paye jate hain is Mediterranean mein. Grapes, oranges, olives, grapefruit, etc. Then sheep, cattle, donkeys, horses, etc. found here.
They are found in western margins of continents in temperate regions of California and southwest Australia. Countries bordering the Mediterranean Sea like Spain, Portugal and south of France. Now the fifth one is coniferous or taiga. Temperate climate. Flora and fauna, tall 20 to 30 meter cone shaped with needle like leaves that let snow slide down easily. Generally one species of tree is found growing in an area. Pine, spruce, fir, lichen and other softwoods. Lumbering is an important occupation. Softwood trees used for making paper, silver fox, mink, polar bear, etc. are found here. Then it exists between 50 degree north to 70 degree north latitudes. Southern Canada, Scandinavia, Russia, slopes of Himalayas, Alps, Rockies and Andes mountains. Now next biome is tropical grassland or savanna. Okay, tropical grassland or isko savanna bhi kehte hain. Warm with less rain of 25 cm to 75 cm. Distinct dry season. Flora and fauna, tall grass with about 2 meter high. Umbrella shaped scattered trees that can tolerate the summer dry season. For example, acacia. Zebras, elephants, giraffes, deer, lion, leopards, cheetah and a diverse range of other smaller animals found here. Areas, tropical zone on outer borders of equatorial belt. Examples, eastern side of equatorial region in Africa, in Kenya, Tanzania and Zimbabwe, parts of Brazilian plateau, Deccan plateau, India. Next is the temperate grassland. Moderate rainfall of only 50 cm in a year. Cool summer and cold winter. Treeless grassy plants with short, luxuriant and juicy grasses. Grasses mostly replaced by farmers for cultivating wheat and corn or for cattle rearing. Wild buffaloes or bisons, cattle, sheep, etc. found here. Interior of continents 40 to 50 degrees. North and south latitudes, steppes in Eurasia, then prairies in North America, pampas in South America, velds in South Africa, downs in Australia. Next is the desert. Okay, high temperature and extremely low rainfall below 25 cm annually. Coarse grass, iska flora fauna kaisa hai? Coarse grass, short thorny shrubs with deep roots and small leaves to prevent water loss. Plants requiring minimum moisture called xerophytes grow here. For example, various different varieties of cactus. Desert mein alag alag tarah ke cactus ugte hain. A few acacia trees and wild date palms found here. Camels and nocturnal animals, especially small reptiles, foxes, hyenas, lizards, snakes, etc. found here. Now the region, hot deserts, California desert in North America, Atacama in South America, Sahara and Kalahari in Africa, Thar in India, West Australian desert, cold desert, Gobi in Asia, Patagonia in South America. Then the tundra, very short cool summer, less than 3 months and severe long winter. Temperature is very low. Treeless area and lack of vegetation due to permafrost. Mosses and lichens grow here. Arctic flowers bloom in the short growing season in summer when ice melts. Some grass and dwarf shrubs are found here. Lakes and marshes. Seals, walrus, fish and reindeer, also called caribou in America, etc. found here. The areas, the regions which are covered with tundra, North Pole and extreme
North America, Europe and Asia north of 60 degree latitude. And the last biome is mountain or montane. Okay? Varies according to altitude. Vegetation varies vertically from the tropical type of to tundra. Deciduous trees are found in the foothills. Pine forests at 1500 meter to 2000 meter. Alpine meadows found a higher elevations. Beyond 3500 meter, no trees. Permanent snow at 4000 meter and above. 4000 meter se upar permanently snow hota hai. In the tropical climate of India, permanent snow occurs at 4250 meter, while in Europe the temperature belt may begin at about 3500 meters. So these were the 10 biomes. Now interpretation. Chicle produced from the juice of zapota trees. Zapota trees ke juice se kya produce hota hai? Chicle are used for making chewing gums. Chiclets, chewing gums hote hai na, wo banta hai, chewing gums bante hai. They are found in the evergreen forest stretching from Mexico to Brazil. Importance of forest. A forest ki importance kya hai? Think about the newspaper you read, the pencil you use, the fruits you have for the breakfast, the bus or car you travel to the into school, your study books, the list is endless. Forests are the natural habitat of plants and wildlife. अब देखिए जो newspaper आप पढ़ते हैं, pencil जो आप use करते हैं, books जिनसे आप पढ़ते हैं, fruits जो आप खाते हैं, या bus या car जिससे आप travel करते हैं, या आपके study books, ये सब कहाँ से आता है? And ये जो natural habitat, ये जो plants और wildlife के लिए जो forest हैं, वो natural habitat हैं. Humans are dependent on forests for their food, medicines, fuel, clothing and shelter. Many people are dependent on the forest for their livelihood. Unka livelihood hi chalta hai forest se. Besides, forests help to prevent soil erosion, help to maintain the water cycle and check global warming by using carbon dioxide in photosynthesis and renewing oxygen supply in the atmosphere. Wood from forest is used to make paper, pencils and furniture. Dekhiye forest mein jitne bhi cheeze available hain unse kuch na kuch use hum karte hi hain. Forests also help to keep the environment clean by muffling noises, buffering strong winds and taking in carbon monoxides. Threats to forest resources. अब forest resources के जो हैं, इतने forest resources जो available हैं, उनको threat क्या है? डर किस चीज से है? Our forest resources face a number of threats in the form of. अब क्या-क्या threats हैं वो? Deforestation, the main threat. Much of the forest land has been converted into farmland in order to provide food for a rapidly increasing population. ये जो हमारे जो जनसंख्या बढ़ रही है इतनी तेजी से, इसको फूड प्रोवाइड करने के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनको काट के फार्म लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, जिससे कि फूड ग्रो किया जा सके. डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर टिम्बर एंड वुड. टिम्बर और वुड के लिए जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं. ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स दैट हैज कॉज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीडलिंग्स. अब जो ओवरग्रेज कर लेते हैं, जब कैटल उनको ग्रेज करने के लिए छोड़ा जाता है फार्म्स में और जो ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये जो सीड्स हैं, सीडलिंग का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जो सीड्स लगाए जाते हैं. फॉरेस्ट फायर्स, मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय दीज फायर्स, मेनी ऑफ विच अकर ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस. इंसान की लापरवाही की वजह से ये जो फायर लगती है, आग लगती है जंगल में, इससे कितने मिलियंस ऑफ एकर्स फॉरेस्ट नष्ट हो जाते हैं. सी दिस इज द फॉरेस्ट फायर. नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत क्यों? डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन अ लार्ज स्केल. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जगहों पे डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है. When huge amount of forests are removed, the water balance gets disrupted
एंड द रीजन एक्सपीरियंसेस ड्राइनेस. अभी जो वाटर बैलेंस है ये खराब हो जाता है जब फॉरेस्ट को हटाया जाता है. बट डिफॉरेस्टेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीज. जस्ट थिंक अबाउट द इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट एंड ऑल द स्पीशीज डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर सर्वाइवल. Therefore, conservation is important. इसलिए इनका conservation जो है forest को conserve करना important है. Conservation studies the way that the earth's biological diversity is lost and finds means to protect them to keep the ecosystem functioning. Now, interpretation. Forests are the home to over 80% of land animals and cover 31% of the world's total land area. फॉरेस्ट जो हैं वो किसके 80% जो लैंड एनिमल्स हैं उनका घर है. नाउ स्पॉट एंड स्पेक चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? प्लांट लाइफ व्हिच ग्रोज इन एन एरिया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन. वेयर आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? Tropical evergreen forests are found primarily near the equator in the regions such as Amazon Basin, Congo Basin and Southeast Asia. Name the major vegetation types in the world. अभी हमने major जो vegetation types हैं उसके बारे में पढ़ा है. Just write down those vegetation. How many types of forests are there? There are mainly three types of forests: tropical, tropical, then temperate and taiga. Okay, these three main types of forests are there. What is produced from the juice of zapota tree? Chicle is produced from the juice of zapota tree, which is used in making chewing gums. Now comes the wildlife, children. Wildlife is an inherent part of forests. They are a part of ecosystem and forests provide their habitat. Ye ecosystem ka part hai wildlife. Wildlife includes animals, birds, insects and many other microorganisms. Each one has a role to play in the ecosystem. Therefore, each species is important for the survival of the other. However, it is common knowledge now that many wildlife species have become extinct while many others have been added to the endangered list. अब बहुत सारे जो wildlife species हैं वो या तो extinct हो गई हैं या उनको endangered species के list में रख दिया गया है. According to the Living Planet study conducted by WWF, World Wild Fund for Nature, from 1995 to 2005, the decline of wildlife is estimated to be 10,000 times more rapid than ever. Or is a study ke according, WWF ki study ke according, jo decline hua hai wildlife mein, wo kitna estimated hai? 10,000 times rapidly, zyada tezi se hua hai. Wildlife in India. India ke wildlife ke baare mein padhte hain ab. Our country India has a rich natural heritage of fauna. Fauna ka rich natural heritage hai. The wildlife in the different natural habitats, the mountains, forests, deserts, coastal areas are varied and rich. India has 372 species of mammals, 1,228 species of amphibians. This makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. Ab India's famous wild animals include, India ke famous wild animals kaun se hain? The majestic Asiatic lions found in the Gir forest of Gujarat. The large Asian elephants, the endangered one-horned rhinoceros of Kaziranga, Assam, the red pandas, yaks, bears, ibex and snow leopards of Himalayas. These are all the famous wild animals of India. The Royal Bengal tigers of the Sundarbans, Bandhavgarh,
Kanha, Ranthambore and other national parks. Monkeys, langurs, several species of deer, black buck, antelopes, nilgais, gorse, water buffaloes, wolves, foxes, jackals, hyenas are some other animals found in India. Now look here children, Royal Bengal tigers of the Sundarban, Sundarban ke Royal Bengal tiger. This is nilgai and this is a hyena. Snakes like cobras and other reptiles like crocodiles, gharials, turtles are also found in India in large numbers. Peacocks, bulbuls, parrots, mynas, quills, ducks and the rare Indian bustard are some of the wide variety of birds. Wildlife distribution. Now its wildlife ka distribution kaise ho? Wildlife forms an important part of the rich natural heritage of our planet. Wildlife in Antarctica tundra. Ab Antarctica tundra mein wildlife kaisi? Some important animals in the Arctic tundra include caribou or reindeer, Arctic fox, Arctic hare, polar bears in the extreme north, musk ox, snow owl and lemmings. Wildlife in Antarctica. In Antarctica, most of the wildlife, which includes seals and penguins, inhabits areas near the seashore. This is seal, these are penguins. Okay? Wildlife in boreal forests. In the boreal forest, wildlife comprises mainly of fur-bearing animals. Boreal forest mein zyada fur-bearing animals hote hain, such as lynx, wolverine, sable, ermine, pine marten and mink. Large herbivores include red deer, moose and beaver. Among birds, ravens, finches and sparrows reside in the region all year round. Now wildlife in tropical rainforest. Tropical rainforest mein wildlife kaisa hota hai? The diverse wildlife of the tropical rainforest includes insects such as butterflies and beetles, worms, spiders, snakes, lizards, frogs, toads, many species of monkeys and other mammals like jaguars. A great variety of colorful birds such as parrots and toucans are also found here. Okay children, now the wildlife in temperate deciduous forest. Temperate deciduous forest ka wildlife. Wildlife in temperate deciduous forests includes beavers, bears, foxes, wolves, raccoons, deer, rats and snakes. Red-tailed hawks, bald eagle, nightingale, hawks, cardinals and snow owls are the common birds found here. Wildlife in tropical grasslands. Wildlife in tropical grasslands includes ab har jagah ke alag alag animals, okay? अलग अलग ग्रासलैंड के अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फॉरेस्ट के. वाइल्ड लाइफ इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इंक्लूड्स जिराफ्स, ज़ेब्रास, राइनो, बफेलोज, कैंगरूज, माइस, मोल्स, ग्राउंड स्क्विरल्स, स्नेक्स, वर्म्स, टर्माइट्स, बीटल्स, लायंस, लेपर्ड्स, हाइनास, जैकल्स, वाइल्ड डॉग्स एंड एलिफेंट्स. द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ हूफ्ड मैमल्स इज फाउंड इन द सवानास ऑफ अफ्रीका. जो हूफ्ड जिनके हूफ होते हैं वो मैमल्स कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर वाइल्ड डाइवर्सिटी कहाँ है? सवानास अफ्रीका में. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एंटीलोप्स आर फाउंड हियर. टर्माइट्स आर अबंडेंट इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. टर्माइट्स जो दीमक होते हैं वो अबंडेंट हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में. नाउ वाइल्ड लाइफ इन डेजर्ट. डेजर्ट की वाइल्ड लाइफ कैसी? Wildlife in deserts include kaun kaun se animals hain yahan? Animals that are adapted to the harsh climatic conditions. Such animals are armadillo, lizards, snakes, bobcats, thorny devils, desert tortoise, desert larks, cactus wrens, dingoes, fat sand rats, fennec foxes and gila monsters. These animals are found in the desert. Armadillo and dingo. Okay?
नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ को बचाने की क्यों ज़रूरत है, कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है. इन नेचर देयर एग्जिस्ट अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ. प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है नेचर में. दिस बैलेंस मस्ट नॉट बी डिस्ट्रप्टेड एज इट कुड लीड टू नॉट जस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज बट ऑल्सो हार्म द एनवायरमेंट. अब अगर इस बैलेंस को खराब किया जाता है, डिस्टरप्ट किया जाता है, तो ये लीड करता है किसमें, ये जो कुछ स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ये एनवायरमेंट को भी बहुत हार्म करता है. इंटरप्रिटेशन, देर आर 592 प्रोटेक्टेड एरियाज आउट ऑफ विच 92 आर नेशनल पार्क्स एंड 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें से 92 तो नेशनल पार्क्स हैं और 500 जो हैं वो वाइल्ड सेंचुरीज हैं. एआई फैक्ट्स, साइंटिस्ट आर यूजिंग एआई टू फाइंड बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा, मॉनिटरिंग इकोसिस्टम्स एंड स्पॉटिंग ट्रेंड्स ओवर टाइम. Wildlife, लाइफ बर्ड्स एंड फिश आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर आर फिजिकल हेल्थ बट दे ऑल्सो स्टिम्युलेट आर मेंटल हेल्थ एंड ब्यूटिफाई नेचर. ये जो वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, ये हमारे फिजिकल हेल्थ को ही अच्छा नहीं करती हैं बल्कि हमें मेंटली भी बहुत हेल्दी रखती हैं एंड नेचर को भी ये बहुत ब्यूटिफाई करते हैं. क्योंकि इनको जब हम देखते हैं, वी सी ब्यूटिफुल बर्ड्स, ब्यूटिफुल फिशेस, वंडरफुल एनिमल्स, देन वी फील गुड. हमें नेचर की इस ब्यूटी से बहुत को देख के बहुत खुशी होती है. सो ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करती है. सर्टन फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सच एज फिश प्रोवाइड अस विद फूड. द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन कॉन्क्रीट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ आवर कंट्री. National parks, wildlife sanctuaries, reserves and bioreserves have been set up throughout the country. Threats to wildlife. अब wildlife को क्या क्या threats हैं, क्या क्या खतरे हैं. Wildlife across the world is threatened because depletion of forests has led to shrinking of wildlife habitat and caused the extinction and endangerment of many species of flora and fauna. अब ये जो forest ख़त्म होते चले जा रहे हैं, काटा जा रहा है, trees काट रहे हैं, forest ख़त्म हो रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, ये जो wildlife लाइफ हैबिटेट है ये श्रिंक हो गई, कम हो गई है, एंड कॉज द एक्सटेंशन. इसका बहुत सारे एनिमल्स जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बहुत सारे एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गए हैं. हंटिंग और पोचिंग फॉर प्रॉफिट, reckless hunting for sport, overfishing or pollution due to the flow of poisonous chemicals and pesticides into rivers have escalated manifold. अब जो ये poaching होती है, hunting होती है, ये केवल अपने profit के लिए, और reckless hunting की जाती है sport के लिए animals की, या fishing, overfishing की जाती है, और जो पोल्यूशन है, जो पॉइजनस केमिकल्स निकलते हैं या वो पेस्टिसाइड्स और पॉइजनस केमिकल्स जाके रिवर में मिलते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है वाइल्ड लाइफ को. नाउ लेट्स रीड द कैटलॉग हियर चिल्ड्रन. डेसिडियस ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन. बायोस्फीयर, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंडेंजर्ड, बीइंग एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट as the number are so few. Extinct, not a single one exist. एक भी वो species नहीं है जो वो आते हैं, उसे कहते हैं extinct. Threatened, likely to become endangered. Habitat, the natural home of a plant or an animal. Now, a look over to this chapter. क्या पढ़ा अभी हमने इस chapter में. Natural vegetation can be classified into forest, grasslands and shrubs. Okay, forests are usually found in regions of high rainfall and are of two types, evergreen and deciduous forests. Many people are dependent on the forest for their livelihoods. Wildlife includes, wildlife mein kya kya aate hain, animals, birds, insects as well as the aquatic life forms.
India has varied wildlife and is one of the 12 mega diversity countries of the world. Many wildlife species are near extinction because of deforestation and indiscriminate hunting. बहुत सारी जो wildlife species हैं वो या तो extinction के पास हैं, बिल्कुल endangered species में आ गए हैं, और क्योंकि ये जो deforestation हो रहा है इसकी वजह से. Now children, some exercise in the estimation corner. Choose the correct option. Forests that are found on the western side of the continents in the temperate latitudes are Mediterranean forest, mixed forest, equatorial forest, deserts. They are the Mediterranean forests. Ebony and rosewood trees are grown in which type of forest? They are grown coniferous forest, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, none of these. They are grown in tropical evergreen forest. Which of the following is an endangered species of India? Camels, gorillas, platypus, rhinoceros. They are rhinoceros. The animal lives high up in the Himalayas is, जो high up Himalayas में रहता है वो कौन सा animal है? Sloth bear, gaur, deer, snow leopard. It's the snow leopard. Citrus fruit trees are found in the dash forest, Mediterranean rain, taiga, monsoon. They are found in the Mediterranean forest. Now let's do some fill-ups here. Fill in the blanks. India has a rich natural heritage of fauna. So write down fauna. Tropical deciduous forests are found in the dash regions. They are found in the monsoon regions. The dash forests are evergreen coniferous forests with cone-shaped trees that have straight trunks and small needle, narrow needle-like leaves. The taiga forest. A great variety of colorful birds such as parrots and toucans are also found in tropical rainforests. They are found in tropical rainforest. The dash is the only zone where the life exists. The biosphere is the only zone. Biosphere. Okay, mosses and lichens comprise the wildlife of dash vegetation. Wildlife of tundra vegetation. Okay, the majestic dash found in the Gir forest of Gujarat. Majestic Asiatic lion. Okay, understood? Now children, the last thing is the true and false. State whether the following statements are true or false. The earth embraces more than 70,000 species of edible plants. Yes, true. In deciduous forests, trees shed their leaves in all seasons. False. Tundra vegetation is found in Arctic, Antarctic and Alpine regions. True. Write down T here. Coniferous trees yield softwood. Yes, true. Wildlife is an inherent part of forests. Yes, this is also true, children. India has 436 species of mammals. False. In the boreal forest, wildlife comprises of mainly fur-bearing animals. Yes, this is true. So children, here we end up with the chapter and I hope aapko samajh mein aaya acche se ye chapter. Once again, go through the chapter, acche se padhiyega is chapter ko, and thanks for watching the video. We'll meet again with something new, something more interesting. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.